Hi student, welcome to RCI Ajuha online classes. आज का जो टॉपिक है हमारा वो राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावनाएं एवं महत्व. राजस्थान में मत्स्य पालन की जो संभावनाएं हैं, राजस्थान में जल क्षेत्र जो है कुल जल क्षेत्र संख्या वो 15,838, कुल क्षेत्रफल जो है जल का वो 4,23,765 हेक्टेयर है. 2010-11 में औसत उत्पादन जो हुआ मछलियों का राजस्थान के अंदर वो 28,200 टन. कुल मछली उत्पादन जो रहा 2010 से 11 के बीच में वो 28,200 टन था. राजस्थान में मत्स्य विभाग की जो स्थापना है, मत्स्य विभाग की जो स्थापना है वो 1982 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना हुई. पूछे जा सकते हैं ये सन 1976 में भीलवाड़ा में हुआ. राजस्थान में 28 सरकारी बीज खेत बिचरिया है. बीज खेत क्या होता है? जलाशय के अंदर छोटी मछलियों का जो उत्पादन होता है वो बीज खेत या बिचरिया कहलाता है. राजस्थान में कार्यात्मक बीज खेत यानी कि जल की कमी है. राजस्थान में जल की कमी होने की वजह से जो 28 सरकारी बीज खेत हैं वो कार्यात्मक रूप से नहीं है. इनमें कार्यात्मक जो बीज खेत है वो हमारे पास में 7 है. मत्स्य पालन कॉलेज उदयपुर, चौहान मछली हेचरी हनुमानगढ़, RTA DCF हेचरी राजसमंद उदयपुर, गावड़ी बीज खेत भीलवाड़ा, कासिमपुर राष्ट्रीय बीज खेत कोटा, रावत भाटा बीज खेत कोटा, सूरत सूरसागर कोटा. कोटा में जो है 3 है. इसके बाद में अर्ध कार्यात्मक यानी कि यहाँ पर मछली पालन का जो कार्य है वो बहुत ही कम होता है, ये 2 है. भीमपुर राष्ट्रीय बीज खेत बांसवाड़ा और एक है अलवर में सिलजेट बीज खेत, सिंगली सेट भी बोलते हैं अपने इसको, यहाँ पर है. राजस्थान के अंदर मत्स्य पालन की जो संभावनाएं हैं और बीज खेत जो दिए गए हैं वो उनमें से कार्यात्मक जो है वो 7, अर्ध कार्यात्मक जो है वो 2 है. इसके बाद में राजस्थान में मछली पालन जो है, मछली पालन का जो महत्व है वो हम समझेंगे. हाँ, मत्स्य पालन का महत्व सबसे पहले भोजन के रूप में मछलियों को जो पालते हैं उनका उपयोग सबसे ज़्यादा भोजन के रूप में किया जाता है. भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, एमिनो अम्ल, विटामिन ए, आयोडीन भरपूर मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं. मछलियों को खाने से जो फैट जो होता है वो बहुत ही कम होता है. इसके अंदर वसा जो है वो बहुत ही कम जाती है. मछलियों से प्राप्त होने वाली जो प्रोटीन है उसका पाचन वनस्पति प्रोटीन की तुलना में बहुत ही सरल प्रकार से होता है. इस वजह से गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, बच्चे और रोगी जो होते हैं, बहुत ही लंबी बीमारी से ठीक हुए जो रोगी होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ये प्रोटीन, आसानी से ये पचा सकते हैं. इसके बाद में आता है मछली तेल. मछली जो होती है उससे तेल प्राप्त किया जाता है. तेल हमें लीवर से प्राप्त होता है, यकृत से, जिससे जो तेल प्राप्त हुआ उसके अंदर विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. पूछा जा सकता है मछलियों से कि तेल में कौन सी विटामिन उपस्थित होती है. मत्स्य चूर्ण तेल प्राप्ति के बाद में जो पदार्थ बचा है, जो भाग बचा है उससे चूर्ण बनाया जाता है जो कि अभक्ष्य भाग होता है, जंतुओं का भोजन होता है. जंतुओं को चारे के रूप में इसको डाल सकते हैं. इसके बाद मछली खाद, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है. इस उर्वरक को कहते हैं सांद्रित जीवांश खाद. सौंदर्य मूलक मछलियां जो होती हैं उनको सौंदर्य मूलक के रूप में भी उपयोग में किया जाता है. जैसे जल जीवशाला, जैसे एग्जांपल इसमें सोन परी मेंट्रोफोस राइक्सास्टर. मछलों के नियंत्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है. मछलियां जो होती हैं ये मछलों के लार्वा पर भक्षण करती हैं. लार्वा को खाने के बाद में मछलों की जो संख्या है वो कम हो जाती है. जैसे पेनकस ट्रोपोगैस्टर.
रोजगार, मत्स्य पालन से रोजगार जो है उनके अवसर बढ़ते हैं, आय का स्रोत मछली पालन जो है उससे हमें आय होती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो थे वो यहाँ पे समाप्त, और चैप्टर जो है वो भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है।